कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा सेवन सेमेस्टर यानी कि एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे। इसमें कुल 3 चैप्टर हैं और छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। 3 चैप्टर मतलब 6 लेक्चर, ओके, या हो सकते हैं 4 लेक्चर या 5 लेक्चर। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इसमें, और चैप्टर नंबर 1 है इस यूनिट का, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप यूनिट नंबर 3 पूरा पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 4 पढ़ चुके हैं, और क्रोमेटोग्राफी कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। और मैं मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूं क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमेटो एंड ग्राफी, यानी कि डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कलर्स। यानी कि हम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में मल्टीपल कंपोनेंट मिले हुए हैं, ए बी सी डी ई का ही कंपोनेंट मिले हुए हैं, और उस कंपोनेंट को हमको पहचानना है कि उसमें से कि इस सैंपल में कितने कंपोनेंट हैं, उन सभी का नेचर क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका कंसंट्रेशन क्या है, इन सबको पता करना क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, एनालिसिस में हम लोग जानते क्या करते हैं, किसी भी अननोन सैंपल की स्टडी करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में इससे पहले हम लोगों ने सारी टेक्निक पकड़ लिया था, दो चीजें हमने पढ़ा था कि एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, और स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के आधार पर ये कई प्रकार के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। आज की क्लास में हम एक नए प्रकार के क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी आपने सुन लिया, एक नया वर्ड है यहाँ पे आयन एक्सचेंज। ये नाम से लग रहा है कि बहुत ही सिंपल क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आयन का एक्सचेंज होगा, यानी एक हाथ लो एक हाथ दो, होता है ना, आयन एक्सचेंज मतलब होता है कि एक हाथ देना एक हाथ लेना। तो एक देंगे और एक लेंगे, इसी को हम आयन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि अगर आप कभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप जाते हैं तो वहां पे डॉलर्स वगैरह चलेंगे, यूरो वगैरह चलेंगे, आप भारतीय रुपए लेके जाएंगे, तो पहले उसको एक्सचेंज करेंगे, जितना रुपए आप देंगे उसके बदले में आपको डॉलर मिलेगा। तो ये एक्सचेंज है, क्या हो रहा है, एक दूसरे से आप पैसे का एक्सचेंज कर रहे हैं। या आपके घर में आलू की खेती होती है, आपके पड़ोसी घर में गेहूं की खेती होती है, आपने उसको एक बोरा आलू दिया, उससे एक बोरा गेहूं लिया, तो ये भी एक तरह का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आप प्यार मोहब्बत में एक दूसरे से खत ट्रांसफर करते हैं, वो जमाना चला गया, अब व्हाट्सएप ट्रांसफर होता है, तो वो भी एक तरह का एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कैसे हम पता करते हैं। देखिए, एक चीज तो क्लियर होगी कि आयन होना जरूरी है, इस क्रोमेटोग्राफी में आयन होना जरूरी है। तो एक पहली बात हमको मालूम चल गई क्लियर, कि ये क्रोमेटोग्राफी सिर्फ उन सैंपल के लिए हम अप्लाई करेंगे जिस सैंपल में आयन प्रेजेंट, कटायंस हो, एनायंस हो, जैसे कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इन सब में क्या होते हैं, डिसोसिएट होके ये आयंस में टूटते हैं। तो ऐसे हर वो सैंपल जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, उनके लिए ये क्रोमेटोग्राफी सबसे बेस्ट है, पहली चीज मालूम चल गई। दूसरा, हमें किसी भी, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, वो अननोन है, और हमें पता नहीं है कि उस पर कैसे हमको मालूम चल रहा है कि इसमें कितने प्रकार के आयंस उपस्थित है और कितनी संख्या में उपस्थित है, ये मालूम करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमको जहां मोटा मोटा हमको हिसाब पता है कि हर क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज जो हम रन कराते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में हो सकते हैं, तो यहां पे जो मोबाइल फेज है वो सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, सोल्यूशन, यानी लिक्विड सैंपल के फॉर्म में रहेगा, और इसी के अंदर हम अपना जो हमारा सैंपल है, यानी जिसकी हमको टेस्टिंग करनी है, उसको इसी में घोलेंगे, उसी को मोबाइल फेज में घोल के हम एक सोल्यूशन बनाएंगे। यानी सीधी सी बात है, जिस सैंपल की हमको स्टडी करनी है उसको हम सोल्यूशन के फॉर्म में रखेंगे मोबाइल फेज में। और स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड है, लेकिन यहां पे एक खास टर्म मैं यूज करूंगा, दिस इज आयन एक्सचेंज रेजिन, IER। यानी यहां पे जो सॉलिड फेज होगा वो दोस्तों रेजिन का इस्तेमाल होगा। व्हाट इज द रेजिन, रेजिन आप जानते होंगे, रेजिन क्या होता है, रेजिन एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड होता है, आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, जिसके अंदर आयंस उपस्थित होते हैं ढेर सारे, या कटायंस होंगे केवल, या एनायंस होंगे केवल, या कटायंस एनायंस दोनों होंगे, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का रेजिन है। तो रेजिन एक आप ये समझिए कि जैसे एक बेड होती है, एक लकड़ी कोई सीट होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल मारा कि ये हमारे पास जो सीट है ये प्लास्टिक की, इसके ऊपर जो ये पूरा पेपर लगा हुआ है, जो इस पर सीट लगी हुई है, ये जो सीट है वो रेजिन है। अब इसमें ढेर सारे होल्स हैं, ढेर सारे पोर्स हैं, जिसके अंदर आयंस लगे हुए हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन में हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सीट है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड होल्ड करते हैं, अलार्म बज रहा है, उठने का टाइम हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ये रेजिन है, ये रेजिन का सीट है, तो इसमें ढेर सारे इस तरह से चैम्बर्स बने होंगे, पोर्स बने होंगे,
ठीक है, ये इस तरह से पोर्स होते हैं ढेर सारे, और हर एक पोर्स में, हर एक खाने में कोई ना कोई आयन इसके अंदर बैठा होता है। तो यानी एक रेजिन क्या है, एक सॉलिड फ्रेम है जिसके अंदर ढेर सारी क्रॉस लिंकिंग है, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग है, स्पेस है, पोर्स है, और जिसके अंदर आयन्स, ढेर सारे आयन्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो चीज चाहिए होता है, चीजें ध्यान से समझिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। एक चाहिए होता है रेजिन जो कि स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, एक चाहिए होता है मोबाइल फेज जिसपे हम डिजोल्व करके सैंपल को एक सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे काम करता है इसको देखिए समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, हमारे पास एक सैंपल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर कहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपने आपने अपने बगीचे से कुछ फल तोड़ लिए, आपके पास अपना बगीचा है और उस बगीचे में दो तरह के फल होते हैं, एक होता है केला और एक होता है सेब। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपका बगीचा है, उस बगीचे में दो तरह के फल है, एक है बनाना, ठीक है, और दूसरा है एप्पल, यानी एक होता है केला और एक है सेब। तो अब आपसे क्या होगा कि बनाना और एप्पल आपने, आपको घर वाले ने झोले में भर के दे दिया, एक बड़ा सा बोरा लिया, उसमें कुछ बनाना और कुछ एप्पल आपको भर के दे दिया। अब बनाना और एप्पल जब आपको भर के दे दिया तो उसमें आपको ये नहीं पता है कि कितना बनाना है और कितना एप्पल है, आपको नहीं पता है, और आपसे कहा कि जाओ इसको बेच करके आओ, क्या करो इसको बेच करके आओ, या बगल वाले पड़ोसी के बगीचे में जाओ और बगल वाले पड़ोसी के बगीचे में उसको बेच करके आओ या एक्सचेंज करके आओ, यहाँ बेचने की बात नहीं। अब आप बगल वाले पड़ोसी के यहाँ गए, उसके पास भी दो फल है, उसके पास मैंगो है, ठीक है, उसके पास मैंगो है और उसके पास मान लीजिए गुआवा है, यानी एक अमरूद है और आम है। तो अब क्या करेंगे कि आपके बगीचे में बनाना है, एप्पल है, उसके बगीचे में मैंगो और गुआवा है, तो अब बनाना के बदले आप मैंगो को रिप्लेस करेंगे और एप्पल के बदले में गुआवा यानी अमरूद को रिप्लेस करेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि केला को आप बदलेंगे आम से और एप्पल को बदलेंगे गुआवा से। अब आपको एक झोले में भर के आपकी मम्मी ने या पापा ने दे दिया कि भाई ये फल है, जाओ पड़ोसी के यहां से इसके बदले में आम और अमरूद लेकर आओ। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे झोले में कितने फल है, भाई मान लीजिए हम गिन नहीं सकते, हमारे पास तो ऑप्शन ही गिनने का, हम गिन नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम बगल वाले के यहां जाएंगे, बगल वाले को एक केला देंगे तो हमको एक आम दे देगा, फिर हम उसको एक केला देंगे तो हमको दूसरा आम दे देगा। मान लीजिए हम झोले से हाथ निकाले, अरे केला निकला, लो भैया आम दे दो, फिर अरे केला निकला, लो भैया आम दे दो, अच्छा फिर अच्छा सेब निकला, चलो हमको अमरूद दे दो। यानी कि केला और सेब को हम बदल रहे हैं और बदले में हमको क्या मिल रहा है, मैंगो और गुआवा। तो जो हमको बदले में मिल रहा है इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको इमेजिन करिए कि हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं। वापसी में जब हम आए तो हमारे झोले में दोस्तों, हमारे झोले में 20 मैंगो थे और 10 गुआवा थे, यानी हमको जब वापस बदल कर हम आए तो हमारे झोले में 20 आम थे और 10 गुआवा थे। यानी कि हमको ये मालूम चल गया इस कैलकुलेशन से कि हमारे वाले झोले में आम के बदले में केला था, तो हमारे वाले झोले में 20 केला रहा होगा और 10 सेब रहा होगा। ये कैसे मालूम चला, जब हमने इसको काउंट किया, हम इसको मान लीजिए काउंट नहीं कर सकते तो हमने इसको काउंट कर लिया, क्लियर हो गया। ये एक क्या ऑप्शन है कि हमने एक के बदले दूसरे को एक्सचेंज किया, एक के बदले दूसरे को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज करते करते जो एक्सचेंज वाला है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको देके समझाया। अब मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का पूरा प्रिंसिपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रिंसिपल समझ लेंगे फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों कोई सैंपल है, इसको हमने मोबाइल फेज में घोल दिया और इसमें हमारे कुछ आयन्स हैं, हमें नहीं पता कितने कटायन्स हैं और कितने एनायन्स हैं, हमें नहीं पता। अब क्या किया हमने, आयन एक्सचेंज रेजिन, दिस इज द रेजिन दोस्तों, ये रेजिन है और इस रेजिन में ढेर सारे प्लस माइनस यानी कटायन एनायन ढेर सारे उपस्थित है, ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया ढेर सारे उपस्थित। अब क्या होगा, जो आयन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या होता है कि सैंपल में जो आयन होता है उसको रख लेता है और अपना एक आयन रिलीज कर देता है, ठीक है, यानी सैंपल इसको जितना आयन देगा उतने आयन को ये रख लेगा और अपना एक आयन रिलीज कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने माना कि इसके पास कटायन जो है वो ए प्लस है और जो एनायन है वो क्या है, बी माइनस है। तो अब सैंपल रख किया हमने, इसके ऊपर सैंपल जा रहा है,
जैसे सैंपल आया, मान लो कि सैंपल में से कोई एक कटायन इसके कटायन से रिप्लेस हुआ, तो जब इसका कटा तो सैंपल का कटायन इसके पास आके चिपक जाएगा और इसका एक ए प्लस यहां से निकल के बाहर चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कटायन आया, दूसरे कटायन में फिर आके वो यहाँ पर चिपक गया और इसके बदले में एक ए प्लस यहां से निकल जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं, सैंपल में जो कटायन है वो इस रेजिन में आकर के अपने आप को रिप्लेस कर रहा है, यानी वो खुद आके बैठ जाएगा और उससे कहेगा तुम जाओ। कभी आपने खो वो खेला है, खो खो खो, उसमें क्या होता है, चार पांच लोग बैठे होते हैं, जो पीछे से दौड़ते हुए आके जिसको छूता है खो बोलता है, वो उठ के भागने लगता है और वो वहीं बैठ जाता है। एग्जैक्टली ये खो खो का खेल होता है यहाँ पे। यानी जो आयन है वो पर्टिकुलर आयन के पास आता है, कटायन कटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन एनायन को रिप्लेस करेगा, तो वो वहां पे आके बोलता है खो और वो वाला एनायन चला जाता है नीचे। तो अब क्या होता है, लास्ट में जब हमको इलुइट मिलता है, इलुइट जानते हैं ना जो हम लोग बीकर में अप्लाई करते हैं, तो उस बीकर में कितने ए प्लस और कितने बी माइनस है उसको हम कैलकुलेट गिन लेंगे। हमने माना कि भैया हमारे बीकर में 100 ए प्लस आए, कटायन्स निकले और 25 एनायन निकले। यानी जो हमारा सैंपल था उसमें कटायन कितने थे 100 और एनायन कितने 25। यानी कि जैसे मैंने सेब और केला काउंट किया उसी तरह से जो एलोइट है उसमें कितने आयन्स आ रहे हैं, उस आयन्स को कैलकुलेट करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितने कटायन और एनायन थे। और अगर कटायन एनायन का कैलकुलेशन हमको मालूम चल जाएगा तो हम उसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि वो कौन सा बेसिकली कंपाउंड है, कौन सा फार्मूला है। ये एक सिंपल सा तरीका है क्रोमेटोग्राफी का, जिसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सीधी सी बात है, खो खो का खेल है, सैंपल का आयन आएगा रेजिन से चिपकेगा और रेजिन में बैठ करके रेजिन अपने उसके रेजिन के आयन को रिप्लेस कर देगा। तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और जो एक्सचेंज हुआ आयन है वो एलुइट में इकट्ठा हो जाएगा और उस एलुइट्स को कैलकुलेट करके हम आसानी से इस सैंपल के बारे में पता लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब डालिए हेडिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस दैट अलाउज द सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। यानी आयन एक्सचेंजर के साथ जो आयंस की एफिनिटी भी बहुत बड़ी चीज है। एफिनिटी क्या है, कोई आयन जल्दी तेजी से पकड़ता है, जो जितनी तेजी से पकड़ेगा वो आयन को उतनी तेजी से रिलीज करेगा, उतनी तेजी से एक्सचेंज करेगा। किसकी एफिनिटी कमजोर है, यानी जल्दी से बाइंड नहीं करता, जल्दी से नहीं पकड़ता, तो ये रिलीज भी बहुत धीरे धीरे करेगा। यानी कि जो आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम किसी भी आयन के पोलरिटी और उसके एफिनिटी के बेसिस पे उसको एक्सचेंज करके हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो चार्ज पार्टिकल किसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा इट इज यूज फॉर द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड्स एंड कटायंस एंड एनायंस, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है बेडी हेडिंग है प्रिंसिपल। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मैंने प्रिंसिपल आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरैक्शन। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरैक्शन यानी कि जो आयन्स है विद आयन्स विद सेपरेशन मैट्रिक्स, ये जो हमारा रेजिन है इसको हम सेपरेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारे चैम्बर्स बने हैं और हर चैम्बर्स में आयन बैठे हुए हैं, इसलिए इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, यानी रिवर्सिबल मतलब एक गया दूसरा निकला, कटायन ने कटायन को रिप्लेस किया, एनायन ने एनायन को रिप्लेस किया, ठीक है, आयन विद द सेपरेशन मैट्रिक्स। It is the separation occurs by the reversible exchange of ions between solution and resin. ये जो solution और resin के बीच में जो reversible exchange of ion होता है, इसी principle पे हमारा पूरा का पूरा हमारा ion exchange chromatography काम करता है। अब as it is यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब देखिए इस chapter में जो stationary phase है एक नया word आ गया, resin, ठीक है। resin बताया क्या होता है, ऐसे compound जिसमें matrix form में होते हैं, cross linking होती है, जिसमें ढेर सारे आयंस मौजूद होते हैं। तो जो रेजिन है इसको भी हम अलग से एग्जाम में पूछा जाता है, तो डालिए अगली हेडिंग रेजिन। चलिए हम बात करते हैं रेजिन के बारे में। तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन, रेजिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके से हम रेजिन को क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों, एक है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, यानी कहां से मिलते हैं। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे मैंने कहा कि हो सकता है जो आपका रेजिन है उसमें सिर्फ कटायन हो, या हो सकता है जो इसमें रेजिन है उसमें सिर्फ एनायन हो। अगर कटायन है तो वो भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग नेचर का हो
या हो सकता है वीक नेचर का हो, जो एनायन है वो भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग नेचर का हो या वीक नेचर का हो। तो इसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर चार प्रकार के रेजिन होते हैं। पहला SCER स्ट्रॉन्ग कटायन एक्सचेंज रेजिन, पहला स्ट्रॉन्ग कटायन एक्सचेंज रेजिन, दूसरा वीक कटायन एक्सचेंज रेजिन, तीसरा स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन एंड द फोर्थ वन इज वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन। इस चार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये चार प्रकार के होते हैं। अब दूसरा हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो है नेचुरल और सिंथेटिक, जो नेचुरल प्लांट से मिलते हैं। तो नेचुरल में होते हैं कटायन और एनायन। कटायन का एग्जांपल है जियोलाइट और क्ले, जो मुल्तानी मिट्टी में लगाते हैं ना क्ले, और एनायन का एग्जांपल है डोलोमाइट। ओके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था कटायन नाम याद रखेगा। और जो सिंथेटिक है उसमें है पॉलीस्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन, ये सब कंपाउंड जो है वो सिंथेटिक है जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं। ये हमने दोस्तों जान लिया रेजिन के बारे में। अब अगली हेडिंग है रेजिन का आइडियल प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए। आइडियल प्रॉपर्टी मतलब रेजिन हम कौन, भाई बहुत सारे रेजिन मार्केट में अवेलेबल है, हमें कौन सा रेजिन चूज करना है अपने क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो अगली हेडिंग है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो पहला होता है इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं लो नेवर, टेस्टिंग महंगी हो जाएगी। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए, ठीक है। इट विल बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन केमिकली इनर्ट, यानी नॉन टॉक्सिक हो और केमिकली इनर्ट का मतलब है कि हमारे सैंपल के साथ कोई रिएक्शन ना करके कोई नया कॉम्प्लेक्स ना बना दे ताकि हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाए। एंड इट शुड हैव हाई स्वेलिंग इंडेक्स, यानी कि ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर सके, जब पानी अब्जॉर्ब करते हैं तो ये फूलते हैं, तो स्वेलिंग इंडेक्स हाई हो और क्रॉस लिंकिंग भी ज्यादा हो ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें आ सके। इट शुड हैव हाई क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ये हो गया। अगली बात करते हैं रेजिन की ही बात करेंगे दोस्तों, तो रेजिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि जो ये रेजिन है क्योंकि सारा कुछ खेल इसमें रेजिन का है, रेजिन अगर अच्छा है तो खेल अच्छा है। तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन, रेजिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला इट शुड हैव हाई क्रॉस लिंकिंग, देखिए जितने ज्यादा क्रॉस लिंकिंग क्या होता है, देखिए ये क्या है क्रॉस लिंकिंग, हमारी उंगलियां एक दूसरे से फंसी है, यानी इसमें जो आपकी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रिक बॉन्डिंग है, यानी आप इस तरह समझिए ये हमारा वायर है और ये वायर, तो ये जो आपस में मिक्स्ड है जो बिने हुए हैं इसको क्रॉस लिंकिंग, कभी खटिया देखा, खटिया खटोला माचा चारपाई उसमें धागे इस तरह से थ्रेड क्रॉस लिंकिंग होती है, जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छे से रेजिन काम करेगा। दूसरा स्वेलिंग, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल करे, और देखिए अब इसमें भी दो प्रकार के जो सोल्यूशन है उसमें दो प्रकार का सॉल्वेंट हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जो स्वेलिंग क्या है, अगर वो पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो स्वेल करेगा यानी उसको एब्जॉर्ब करेगा और फूलेगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो नहीं स्वेल करेगा, वो रिलीज करेगा वाटर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये ध्यान देना कि जो रेजिन होते हैं अगर वो पोलर सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो स्वेल करते हैं, नॉन पोलर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल साइज और पोरोसिटी के बारे में बता लें, तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, पोरोसिटी उतनी अच्छी होगी और एक्सचेंज आयन का ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और रीजनरेशन एक वर्ड है कि इट शुड हैव हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन, मान लीजिए हमने एक रेजिन का बेड लिया, उस रेजिन बेड को हमने दो बार तीन बार चार बार इस्तेमाल किया और उसके अंदर जितने आयन्स थे वो सब खत्म हो गए, और जब रेजिन के अंदर सारे आयन्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा वो तो किसी काम का रहे नहीं, तो हम उसको फिर से रीजनरेट कर सके। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, अब आपने घर गैस सिलेंडर लिया उसमें गैस खत्म हो गई तो पूरा सिलेंडर फेंक देते हो, नहीं आप उसको रिफिल करा लेते हो, जैसे पहले की पेन आती थी उसको रिफिल करते थे, ये मार्कर मेरा इसको मैं रिफिल कर लेता हूँ। तो उसी तरह से जो हमारे रेजिन्स हैं अगर वो खत्म हो जाए, उसके आयन्स खत्म हो जाए तो उसको हम फिर से रिफिल कर सके या उसको रीजनरेट कर सके। तो उसको कैसे करेंगे, अगर रेजिन में कटायन्स है तो उसको एसिड से वॉश करो, एसिड से वॉश करो तो एच प्लस ओ एच माइनस एच प्लस सीएल माइनस एच प्लस निकला, तो कटायन्स को अगर कटायन को रीजनरेट करना हो तो एसिड से वॉश कर दीजिए, और अगर एनायंस को रीजनरेट करना हो तो बेस से वॉश कर दीजिए। तो आपको इस तरह से हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा आपको समझ आइए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूनिट नंबर 5 में बहुत जल्दी खत्म करूंगा, शुरू कर दिया हूं मैं, विद इन द वीक खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं दिसंबर लास्ट वीक से या जनवरी के फर्स्ट वीक से, बस यही एक यूनिट बची मैं खत्म करूंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ के जरूर बताइएगा।